हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवरीथिंग इज़ हियर। आज मैं एक बहुत ही नया और बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो जो है वो हेयर रिलेटेड है। मैं एक DIY कर रही हूँ हेयर ऑयल का, जिस हेयर ऑयल को यूज़ करके आप अपने सर से, अगर आपके सर में कोई इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, इचिंग होती है, हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, अगर लाइस है, अगर आपके बालों में जुए हैं, लीक हैं, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं। मैं एक हेयर ऑयल बनाऊंगी जिसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि बालों के लिए कितना अच्छा है, बहुत ही गुणकारी है कोकोनट ऑयल, जो हमारे बालों को ग्रोथ देता है, हमारे बालों में ग्रोथ होता है कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ करने से। तो कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी मैं, प्लस इसके साथ साथ मैं जो चीज़ें इसमें मिक्स करने वाली हूँ वो बहुत ही हर्बल चीज़ें हैं। मैं कोई भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं करने वाली हूँ इसमें। तो इसमें फ़र्स्ट चीज़ मैं जो यूज़ करूँगी वो है नीम। नीम की पत्तियाँ, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि नीम की पत्तियाँ बहुत ही हर्बल है, कितनी गुणकारी है, पहले से बहुत ज़माने से यूज़ किए जा रही हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग हो जाती है, बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, तो उस नीम की पत्तियों के पानी से नहाने से वो सारी दूर हो जाती हैं। तो ऐसे ही अगर आपके सर में कोई इचिंग है, फंगल इन्फेक्शन है, दाने निकल रहे हैं, कोई इचिंग का प्रॉब्लम है, तो आप उसको अगर यूज़ करते हैं तो वो सारी दूर हो जाती हैं। तो मैं इसमें नीम की पत्तियों को ऐड करूँगी, एंटीबैक्टीरियल होती हैं। प्लस सेकंड चीज़ जो है वो है तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती हैं। तुलसी के भी अपने बहुत सारे गुण हैं, तो इस तुलसी को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो वो आपके जो बालों से जो जुए हैं उन सबको ख़त्म करने में मदद करती है। प्लस तीसरी चीज़ जो बहुत खास है जो है मेथी के दाने। अगर आप मेथी के दाने को या मेथी पाउडर को किसी भी हेयर पैक में या हेयर ऑयल में ऐड करते हैं, यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइन मिलता है, आपके बालों को ग्रोथ प्रदान करता है, ये आपके बालों को बढ़ने में हेल्प करता है। प्लस अगर कोई ब्रेकेज है, शाइन नहीं है, फ्रिजी हो गए हैं आपके बाल, रूखे सूखे हो गए हैं, तो उसको भी बिल्कुल दूर कर देता है, शाइन देता है, स्मूथ बनाता है हेयर को, प्लस हेयर ग्रोथ को डबल करता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए वो मैंने नारियल का तेल लिया है, पतंजलि नारियल तेल, फिर तुलसी के पत्ते, ये है नीम के पत्ते और मेथी के दाने। और ये जिसमें बनाएंगे उसके लिए आप एक खाली बाउल ले लीजिए। अब इस बाउल को हम गैस पे रखेंगे, मैंने गैस ऑन कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे अब हम नारियल का तेल, रिक्वायर्ड क्वांटिटी लीजिए आपको जितना ज़रूरत हो। मैंने यहाँ पर दो बार लगाने के लिए बनाया है ये तेल हमारा। हल्के आँच पर ही आप रखिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले मेथी के दाने। तो मैं जो मेथी ले रही हूँ वो तकरीबन एक चम्मच मैंने इसमें मेथी यूज़ किया है। मेथी जब आपका चटकने लगे, गर्म हो जाए, तो इसमें हम ऐड करेंगे क्रश करके तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियों को ऐड करके थोड़ी देर वेट करिए, बहुत तेज़ आँच नहीं करना है, बिल्कुल हम इसे लो फ्लेम पर ही रखेंगे। और इसको आप एक चिमटे की मदद से आप इसको थोड़ा गैस के फ्लेम से हटा दीजिए, हटा सकते हैं बर्तन को थोड़ा हटा दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा तेल जले नहीं। ये देखिए, इस तरीके से आप थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर हम इसे रख के इसमें हम ऐड करेंगे नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों को आप पूरा सीधा या फिर क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सीधे ही यूज़ किया है। और नीम की पत्तियों को ऐड करके आप इसे एक चम्मच की हेल्प से चला सकते हैं ताकि नीचे की मेथियाँ जले नहीं। पूरा अच्छे से घुमा फिरा कर इसे चला चला के आप इसे पका लीजिए, धीमी आंच पर ही, आंच को तेज़ नहीं करना है, ऐसे ही। तो ये देखिए, ये जो तेल है हमारा बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे, गैस को बंद कर दिया मैंने, साइड में रखेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए थोड़ा, तो स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे एक दूसरे प्लेट में, बर्तन में खाली कर लेंगे। ये देखिए, ठंडा हो चुका है, इसे हम स्ट्रेनर की हेल्प से एक प्लेट में खाली कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा नारियल का इतना तेल जो था उसका कलर वाइट था बिल्कुल, अभी ये चेंज होके थोड़ा ग्रीन कलर में आ गया है। तो ये देखिए, हमारा तेल जो है वो अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अप्लाई करके दिखाएंगे बालों में।
तो जिस तरीके से ये बालों में अप्लाई करना है आपको, ये पूरे स्कैल्प पे आप अप्लाई करेंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आप अच्छे से तेल को पूरे बालों को हटा हटा कर स्कैल्प पे अप्लाई करिए। स्कैल्प पे अप्लाई करने से जितने भी अगर आपका कोई इन्फेक्शन वगैरह जैसे मैंने बताया है अगर होगा तो वो उसको क्योर करेगा, बिल्कुल हटा देगा। और अगर कोई डैंड्रफ वगैरह है आपके बालों में तो ये डैंड्रफ को भी दूर करता है। प्लस आपका अगर कोई बालों में अगर लीक है, जुए हैं, तो उनको भी ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट यूज़ में ही आपके सारे रिज़ल्ट आपको दिखें। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इसे अप्लाई कर सकते हैं, बना के इस तेल को रेगुलर यूज़ के लिए रख सकते हैं। ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है ये। ये देखिए मैंने पूरे सर में बालों को हटा हटा करके बिल्कुल स्कैल्प पे इनके अप्लाई करा है अच्छे से। पूरा ऊपर से मैंने पीछे तक, कान के पीछे सब जगह पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया है। ऐसे आप बालों में भी लगा सकते हैं। मेथी के वजह से बालों में शाइन आएगी, बाल जो है वो बिल्कुल स्मूद हो जाएंगे। और अगर आप इसे रात में लगाते हैं तो आप अगले मॉर्निंग में ही इसे धुलें। अब इसे हम अच्छे से बांध तो देंगे। फ्रेंड्स, जैसे देखा आपने कि मैंने कैसे ये हेयर ऑयल बनाया और मैंने इसे अप्लाई करके भी दिखाया बालों पे। आप इसे, मैं नहीं कहती कि एक ही यूज़ में सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपके दूर हो जाएंगे। इसे आप कम से कम हफ्ते में 2 बार लगाइए। ऐसे अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहेंगे इसे तो बहुत ही जल्द आपको जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्कैल्प में अगर कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, इचिंग है, फंगल इन्फेक्शन है, जुए हैं, लीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो जाएंगी। प्लस आपकी हेयर ग्रोथ में भी ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो कैसा लगा आपको मेरी ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और हिट करिए बेल आइकन को, घंटी का निशान जो दिख रहा है उसे ज़रूर हिट करिए, ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।